लव मैरिज है, आपकी अरेंज मैरिज है? लव मैरिज घर में हमें कोई भी राजी नहीं थी उनको करने के वास्ते, सबसे लड़के करके 2 साल पूरों के खिलाफ जाके फिर सबको मैं मना के करके उनसे शादी कर दी मैं। उन्होंने भी दूसरों के साथ अफेयर है बोल रहे हैं, रात में मैं उठ के बात करती हूँ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। अगर मुझे दूसरों से बात करना था, अगर मुझे दूसरों के साथ ही रहना था तो मैं लोग मेरे खानदान मेरे घर वालों से मैं लड़ती थी उनके वास्ते। और मेरे मम्मी से ही बात करी तो मैं पूरा ठहर के पूरा पास बैठ के बात आई नहीं सुनते थे और ज़्यादा बात करने नहीं देते, 10-15 मिनट बस, उसके बाद कुछ भी नहीं बात करना रख देना, ना हाथ में फ़ोन देते थे ना कुछ करते थे। ये इल्ज़ाम जो भी लगा रहे ना वो झूठे झूठे बातें करते मेरे। मेरा नाम जाकिर है, मैं जो तो फरीन जो है सो रिपोर्ट जो न्यूज़ में डाले ना उन्होंने पूरा गलत डाले, और जो है सो बोले कि मैं उनको मारता हूँ, मैं उनको टॉर्चर करता हूँ। मैं उनको मारता हूँ भी नहीं, उनको टॉर्चर करता हूँ भी नहीं उनको। मैं उनको जो है सो फ़कत उन्होंने अम्मा का नहीं रहेंगे बोलते, हर वक्त अम्मा का नहीं रहेंगे बोलते, यहाँ पर मेरे साथ रहते इतना अच्छा रहते। घर से चले जाओ बोलते, कौन कर रहे हैं वो बदनाम? शोहर सास जी। उन लोगों का नाम क्या है? और शोहर का नाम जाकिर। ये देखो उसके साथ दूसरे के साथ फोटो भी है उसकी, उन्हें कौन है नहीं मालूम। फोटो भी है और उसका भाई जो है से मेरे को बोल रहा है। फ्रंट कैमरे से लिए हो, बैक कैमरे से लिए हो? जी। आपको इससे पहले कॉल आया था क्या आपको? हाँ, मैं उनको कॉल करा था फोटो देख के, मेरी फोटो में डाले बोले पूछा था उनको, उन्होंने बोले थे तेरी फोटो फेस नहीं दिख रहा तेरा, इसके ऐसे प्रूफ होना बोल के डाल दिए सो है। तेरे से माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से माफ़ी भी चाहिए सो है ना। और मैं उनको बात आता करा तो उन कहीं भी डाले बोल के मैं पूछा करा था उन्हों, नहीं रे भाई गलती से डाल दिए, कोई प्रूफ होना बोल के साथ डाल दिए सो है, माफ़ी चाहता हूँ मैं तेरे से, अगर तेरा नाम नहीं आता बोल के बोले सो है। कौन कर रहे हैं वो बदनाम? शोहर सास जी। उन लोगों का नाम क्या है? और शोहर का नाम जाकिर जी। ये फोटो बहुत पुरानी है। कहाँ गए थे? हम इधर को गए थे हमारे गांव को शादी में, हम सब जने लिए फोटो, पूरे बहना भाया की सबकी ये फोटो चुखा, हम लोगों के पास भी उनके भाइयों की भाइयों के सबके फोटोज है, मेरे भाइयों के साथ, मेरे भाइयों के साथ भी फोटो आने ये सो करे सो है। पर हम ना किसी की इज्जत उछालना नहीं चाह रहे और किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं चाह नहीं करना चाह रहे, लोगों की ज़िंदगी से हम ना लगे हुए हैं, पर हम ना किसी को भी कुछ भी नहीं करना चाह रहे, बस ताकि जो भी बोल रहे ना सब गलत है और सब छूट है। बदनाम करने की मेरे भाइयों को मेरे मम्मी को हर चीज़ से बदनाम करने की कोशिश कर रहे लोग, बस हुकूमत से क्या कहना चाह रहे हैं आप? इंसाफ होना मेरे पास, जो लोग मेरे पास गलत इल्ज़ाम लगा रहे मेरे मम्मी पे मेरे भाइयों पे गलत तोहमतें लगा रहे, जो उनको मारने की कोशिश कर रहे, जो उनको ऐसा बोले कि मारते करते बोल के, कोई भाई मेरा कुछ भी नहीं बोला उनको, ना उनके घर को कोई आता ना कोई जाता, मेरे भाइयों के साथ तक उन्हें इल्ज़ाम लगा सो है, मेरे सगे भाई के साथ इल्ज़ाम लगा के उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे, बस मेरे को इंसाफ होना बस और कुछ भी नहीं। लव मैरिज है, आपकी अरेंज मैरिज है? लव मैरिज घर में हमें कोई भी राजी नहीं थी उनको करने के वास्ते, सबसे लड़के करके 2 साल पूरों के खिलाफ जाके फिर सबको मैं मना के करके उनसे शादी कर दी मैं। उन्होंने भी दूसरों के साथ अफेयर है बोल रहे हैं, रात में मैं उठ के बात करती हूँ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, अगर मुझे दूसरों से बात करना था, अगर मुझे दूसरों के साथ ही रहना था तो मैं लोग मेरे खानदान मेरे घर वालों से मैं लड़ती थी उनके वास्ते। और मेरे मम्मी से ही बात करी तो मैं पूरा ठहर के पूरा पास बैठ के बात आई नहीं सुनते थे और ज़्यादा बात करने नहीं देते, 10-15 मिनट बस, उसके बाद कुछ भी नहीं बात करना रख देना, ना हाथ में फ़ोन देते थे
ना कुछ करते थे, ये इल्ज़ाम जो भी लगा रहे ना वो झूठे झूठे बातें करते मेरे। मेरे पास तीन महीने फोन रखे उन्होंने, ऐसे गलत गलत इल्ज़ाम लगा के करके फ़ोन भी छीन लिए। ना भाइयों से बात करने देते, अम्मी से सिर्फ एक ही टाइम बात करना, वो भी मैं काम पे आया हूँ क्योंकि दिन में गया हूँ, 10-15 मिनट बात कराती थी, उसके बाद रख देते, रख दो बोल के बात करते थे, कितनी बात करते वो करते ये करते थे, बात करके फ़ोन रखते नहीं लगाते थे। फिर और मेरी सिम उनके पास ही छः, नंबर भी उनके पास ही छः, कॉल हिस्ट्री आप निकाल लो, मैं किससे बात करी किससे नहीं करी, इसमें सब मालूम हो जाता। आप आपका नाम क्या है भाई? शहबाज। जो दो दिन पहले जो वाक़या जो चला फरीन बेगम जी, आपके कौन हो ना आपके? फरीन बेगम मेरे छोटे बहन जी, कुबेरे बहन जी। अब वो जो इशू चल रहा, वो फोटो सेल्फी लिए हुए बोल के बोल रहे हैं, क्या है? मतलब बहन के साथ तो फोटो तो लेते ही जी, करंट लगा के दे दिए जी। कहाँ पर लिए सो है वो फोटो? इधर की फोटो खेले की है, और उनकी वो शादी से पहले की है जी, शादी से बहुत पहले की है वो फोटो। कितने साल पहले हुई थी शादी? वो शादी 1.5 साल पहले हुई है, फोटो से 7-8 महीने पहले की है जी शादी से। बिदर को कहीं गए थे आप लोग? बिदर को मतलब हमारे मामू के बच्चे की शादी थी, वहाँ पे गए हुए थे, पूरी फैमिली गई हुई थी जी। तो हम लोग बिदर के खेले को पूरे फैमिली मिल के पूरे घूमने गए हुए थे, तो वहाँ पे फैमिली में तो नॉर्मली फोटो तो लेते हैं, सबके साथ लेते हैं जी। तो उनके साथ एक फोटो लिए थे, वो पीछे से फोटो लेके इशू बना रहे थे। कौन करे वो? वो उनके हस्बैंड जो है, वो भी मेरे भाई है, मेरे खलेरे भाई है वो भी जी, उन्होंने भी थे वहाँ पे ही थे, उन्होंने भी फोटो लेते हो, मेरे भाई है उन्होंने भी जी, उन्होंने भी वहाँ पर इस थे, उन्होंने भी देख रहे थे फोटो ले रहे सो करे सब, उन्होंने लिए होंगे क्या है कि नहीं मालूम जी। आपके पास कुछ प्रूफ है आपके पास जो जो सेल्फी लिए सो आप? है ना मेरे पास जी, फ्रंट कैमरे से लिए हो, बैक कैमरे से लिए सो जी, नहीं अच्छी बात है। बोल आपको इससे पहले कॉल आया था क्या आपको? हाँ फ्रेंड को कॉल करा था फोटो देख के, मेरी फोटो मिटाले बोल के पूछा था हमको, उन्होंने बोले थे तेरी फोटो फेस नहीं दिख रहा तेरा, इसके ऐसे प्रूफ होना बोल के ताल दिए सो है, तेरे से माफ़ी चाहता हूँ बोल के, मेरे से माफ़ी भी चाहिए सो है ना, और मैं बात आता करा तो उन कहीं भी डाले बोल के मैं पूछा करा तो ना, नहीं रे भाई गलती से डाल दिए, कोई प्रूफ होना बोल के साथ डाल दिए सो है, माफ़ी चाहता हूँ मैं तेरे से, अगर तेरा नाम नहीं आता बोल के बोले सो है जी। सवाल मेरा नाम शेख सलीम है, और मैं बोले तो फरीन का मामा हूँ, और बोले तो जाकिर का भी मामा हूँ जी, और ये मेरा बेटा है, ये दोनों बहन बहन और भाई है, वो छोटी बहन है, ये छोटा ये बड़ा भाई है, और ये लोग जो फोटो जो भी डाले थे वो क्लियर करने के वास्ते मैं लाके ये सब कर रहा हूँ। और दूसरी बात क्या है बोले तो, और ये फैमिली मैटर है, और दूसरी बात ये एक टूर को गए थे हा? ये बच्चे इधर हैदराबाद में आके रह गए सो है, इधर नहीं देखे थे बोल के पूरी फैमिली गई थी, उसमें फ़ोटो लिए सो है ये हा? ये गैर ज़रूरी ये मेरे बच्चे का नाम डाले, ये बात सिर्फ प्रूफ करना चाह रहा हूँ। और ये दोनों भी ये भी बहन है, ये भी बहन है, ये भी बहन है, और इस ये जो ये लोगों के जो भी चल रहा है ना, ये बच्चों को मेरे बीच में खींचे, इसलिए मैं आके सामने बोलने की वजह ये छह बस। थैंक यू।